सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ति चैनल को और घंटी जरूर दबाइए। देशी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको मोर पंख के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं। अगर आपने वो बातें मान ली, अगर आपने वीडियो में बताए अनुसार वो चीज़ कर लिया, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं मोर पंख के वशीकरण उपाय। वो ऐसे उपाय हैं जो कि 100% सत्य हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे वीडियोस आते हैं। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और घंटी ज़रूर दबाएँ। मोर पंख का संबंध श्री कृष्ण से ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं से भी है। शास्त्रों के अनुसार मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नौ ग्रहों का वास है। प्राचीन काल में एक मोर ने माध्यम से देवताओं ने संध्या नाम के असुर का वध किया था। पक्षी शास्त्र में मोर और गरुण के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। सरस्वती जी के वाहन मोर का पंख, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया था, मोर पंख पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह संसार का सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है। उमंग, उल्लास और आनंद का प्रतीक है। सरस्वती माँ का वाहन होने के कारण विद्यार्थी वर्ग में अपनी पुस्तकों के भीतर मोर पंख रखने की प्रथा है। यही मोर देवताओं के सेनापति और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय स्वामी का वाहन भी है। तो आइए जानते हैं कि मोर पंख आपके जीवन को किस तरह से सुख और समृद्धि से भर देता है। सबसे पहले तो अगर कोई आपका शत्रु अगर ज़्यादा तंग कर रहा है, तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तिष्क के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात्रि में उस शत्रु का नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रख दें। प्रातः काल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में बहा देने से शत्रु शत्रुता छोड़कर मित्रवत व्यवहार करने लगता है। अगर धन वैभव में वृद्धि की कामना से निवेदक पूर्वक नित्य पूजित मंदिर में राधा श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख की स्थापना करके या करवा कर 40वें दिन उस मोर पंख को लाकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें, धन संपत्ति में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी और सभी प्रकार के कार्य भी इस प्रयोग से बन जाते हैं। आपको ये करना है, मोर पंख लाकर आपको श्री कृष्ण के मंदिर में लगाना है और 40 दिन के बाद 41वें दिन में अपनी तिजोरी या लॉकर में उसको रख दें। आपके घर सुख समृद्धि इतनी आएगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। जीवन में मोर पंख से कई तरह के संकट दूर किए जा सकते हैं। अचानक कष्ट या विपत्ति आने पर अथवा आप उसको शयन कक्ष के अग्नि कोण में मोर पंख को जरूर लगाइए, थोड़े ही समय में सकारात्मक असर होगा। इसके अलावा आप आयुर्वेद में मोर पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नज़ला और बांझपन जैसे तुषाद्य रोगों में सफलतापूर्वक चिकित्सा भी बताई गई है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हों, तो उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। साथ ही शयन कक्ष की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोर पंखों का पंखा, जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों, लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में अच्छे ग्रह अपने शुभ प्रभाव देने लगेंगे और राहु केतु का अशुद्ध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, तो उसे नित्य मोर पंखों से बने पंखे से हवा करनी चाहिए या अपने सीलिंग फैन पर ही मोर पंख पंखड़ियों को चिपका देनी चाहिए। नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के तावीज में एक मोर पंख भरकर रखने से शिशु को डर नहीं लगेगा और नज़र का डर भी बिल्कुल नहीं लगेगा। ज्योतिष में जिन लोगों को राहु की स्थिति शुभ नहीं है, उन्हें हमेशा मोर पंख को अपने साथ में रखना चाहिए। दुनिया में मोर पंख ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर विपत्ति को दूर कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया गया, वैसा ज़रूर करिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।